डैम्पिंग इसके अंदर हुई है और मारुति की गाड़ी में जरूर रिकमेंड करता हूँ कि आप डैम्पिंग जरूर कराओ। यहाँ पे देखो डोर गार्ड है, जो हाई पॉप का डोर गार्ड है, नीचे की तरफ रिफ्लेक्टर है जो पूरा इसके अंदर लग गया है। तो पूरी टेल लाइट यहाँ पे चेंज हो चुकी है, यहाँ पे कैमरा लगा है और फिटमेंट भी आप चेक करो, पूरी जो OEM फिटमेंट है एज इट इज वो फिटिंग है। ये बूट मैट इसमें लग गए हैं, बूट लाइट इसमें लग गई है, स्कफ प्लेट है जो की विदाउट लाइट है, पूरी OEM फिटमेंट के साथ स्टीयरिंग हो चुका है। तो ये पूरा अपना डैशबोर्ड का जो पार्ट था वो भी हो चुका है पूरा। यहाँ पे देखो AC वेंट हो चुके हैं अपने, सेंटर आर्मरेस्ट है वो लग गया है, ऑन ऑर्डर बन के मतलब पूरे सीट कवर लगे हैं, एज अ क्वालिटी आप देख सकते हो। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी, आशा करता हूँ स्वस्थ मस्त अपने घर में कुछ मंगल होंगे। अगेन आज फिर से मैं कृष्ण तिवारी एक नई वीडियो में आपका मोस्ट वेलकम करता हूँ। और आज फिर से सबसे पहले तो आप गाड़ी देखोगे LED डेल्टा प्लस मॉडल है, यहाँ से कहीं से नहीं पता लगने वाला डेल्टा प्लस मतलब। रीजन क्या है कि पूरी गाड़ी ऑलरेडी पूरी चेंज हो चुकी है और अंदर का इंटीरियर बाहर से ज्यादा अच्छा है, जो आपको अंदर देखने को लेके चलने वाला हूँ। और इसी वीडियो में भी गाड़ी भी काउंट कराएंगे, वैसे तो शाम का टाइम 6 बज गए हैं, गाड़ी कितनी हो गई आप देखो, टाइम 6 बज गए हैं शाम के, 5:27 हो चुके हैं, ऑलरेडी शाम हो गई है, फिर भी अभी भी लगभग 8 गाड़ियां जो हैं वो यहाँ पे खड़ी है जिसमें सारा काम हो रहा है, और 4-5 गाड़ी होके जा भी चुकी है। तो आज का दिन का भी हमारा लगभग जो टारगेट था 14-15 गाड़ी का, वो भी आज पूरा हो गया, ज्यादा ही हो गई गाड़ियां आज भी। तो आज इस गाड़ी इस वीडियो के अंदर जितनी भी एक मॉडिफिकेशन होती है डेल्टा प्लस की या फिर बेस मॉडल की, वो सारी आपको देखने को मिलने वाला, प्लस अलॉय व्हील भी, एक शानदार अलॉय व्हील। लास्ट में ओनर्स से भी जानेंगे कैसे उनको अलॉय लगे, कैसा इंटीरियर लगा, हर एक चीज प्राइसिंग के साथ देखने को मिलने वाला था। इंपॉर्टेंट है कि चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो को अभी तक आपने देखी नहीं है तो वीडियो को जरूर पूरी देखना। चलते हैं गाड़ी की तरफ। तो फाइनली यहाँ स्टार्ट करते अपनी डेल्टा प्लस मॉडल का। इस अलॉय की वजह से और अंदर इंटीरियर की वजह से आप बिल्कुल नहीं लगेगा आपको कि डेल्टा प्लस मॉडल पर, रियली अगर बात करें तो डेल्टा प्लस मॉडल ही है। सबसे पहले तो आप अलॉय व्हील यहाँ चेक कर सकते हो, अलॉय व्हील भी मैंने C8 के टायर चेंज करा लिए हैं। और अलॉय की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे टायर प्रोफाइल आपको सबसे पहले दिखाते हैं कि कौन से टायर है, कहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पर कहीं भी नहीं है, ढूंढना पड़ेगा, पर आपके लिए जरूर इरा 215/45R17 इंच में चेंज कराए हैं, पर 215 है, पर इसकी जो प्रोफाइल है थोड़ा सा वो कम है, जिसके चक्कर में जो है 45 है, जिसके चक्कर में टायर जो है थोड़े छोटे लग रहे हैं। बाकी जो इसका वाइट कलर के हिसाब से गाड़ी के ऊपर जा रहा है वो ऑलरेडी बहुत शानदार, बहुत अच्छा जा रहा है। तो ये एक बेस्ट पार्ट है। इसके अंदर DRL आपको बेस डेल्टा प्लस में ऑलरेडी देखने को मिलती है। इसमें हेडलाइट की बात करें, 3 LED वाली, 3 डॉट वाली, वो उसमें मिलती है। पर अगर इसके अंदर बात करें तो ये फ्रंट ग्रिल जो है वो इसके अंदर एक शानदार ग्रिल लगी है, जिसका एक बहुत शानदार ऑप्शन जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। और ग्रिल की अगर मैं बात करें, मैं आपको बार बार दिखाता हूँ एक ही चीज की, इस ग्रिल की इतनी शानदार फिनिशिंग क्वालिटी निकल के आती है, ये देखो पूरी एक फिनिशिंग जो है वो आपको एज इट इज यहाँ देखने को मिल पा रहा है। तो ये एक बेस्ट एंड बेस्ट यहाँ पे आपको एक मतलब एक शानदार जो फिनिशिंग है ना वो एज इट इज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और आपने ये ही सेम ग्रैंड विटारा में पूरा एज इट इज देखा होगा, आपने पूरी ग्रैंड विटारा में मिलती है एज इट इज। और गाड़ी भी एक बार काउंट करा देते हैं कितनी गाड़ियां खड़ी है, मैं भी भूल जाता हूँ। सबसे पहले फ्रॉन्क्स करिए डेल्टा प्लस मॉडल, इसके बाद ब्रिजा है, फिर इसके बाद फ्रॉन्क्स है, देखो पीछे 2 फ्रॉन्क्स है, एक ये है और फिर एक ये है, फिर एक उसके पीछे भी खड़ी है, इसके बाद यहाँ पे एक सामने ये फ्रॉन्क्स है, ये जो मेरी उंगली के ऊपर आप देख रहे हो, फिर एक ये फ्रॉन्क्स है, ये भी, और फिर एक यहाँ पे फ्रॉन्क्स है। बाहर की तरफ चलेंगे अभी आपको और दिखाते हैं, 2 फ्रॉन्क्स तो ऐसे में खड़ी है अभी, और 2 फ्रॉन्क्स इस साइड पीछे की तरफ खड़ी है। तो आगे की ग्रिल मैंने आपको दिखा दिया है, पीछे हो सकता है पंखे का नॉइज आ रहा हो तो उसके लिए माइंड मत करना इतना, बाकी एक शानदार जो इसके अंदर इंटीरियर है ना वो दिखाने वाला हूँ आपको। इंपॉर्टेंट है कि आप पूरी वीडियो में बने रहिएगा जिससे आपको देखने को मिल सकेगा। फिर अगेन देख पाओगे पूरा एज इट इज जो इंटीरियर है वो यहाँ पे आपको देखने को, पूरा ग्रिल जो है वो देखने को मिल रहा है। यहाँ पे मिरर की रिले आती है वो इसके अंदर लगी है, एक बार मैं की से आपको दिखा भी देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे जैसे ही मैं इसको लॉक करूंगा वो ही अपना रिले यहाँ से पूरे काम कर गया, और जैसे ही अनलॉक करता हूँ वो यहाँ पे पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। अभी इसकी जो डोर है पावर विंडो उसको मैं नीचे नहीं कर सकता, क्योंकि आप इसमें देख रहे हो हल्का सा टेंटेड है, ग्रीन है। रीज़न ये है अगर मैं अभी अभी जस्ट वो हुआ है, अगर नीचे करूँगा तो वो जो है ना अभी वो भी ठीक, मतलब मिनिमम 2 घंटे का टाइम रहता है, उसके बाद ही नीचे कर सकते हैं तो खराब हो जाएगा इस रीजन से। रीन वाइजर है कंपनी का जेन्युइन, जिसपे आपको रेगुलर 40% में लेस देता हुआ आ रहा हूँ, 2190 रुपये MRP आती है, 1314 रुपये का पड़ता है डिस्काउंट करके। विंडो गार्निश है जो लीक कंपनी में है, जेन्युइन कंपनी नहीं आती, लीक की है, जिससे आपको एक अच्छी फिनिशिंग अच्छी क्वालिटी के साथ मिलता है। हैंडल क्रोम है, 1490 रुपये MRP आती है, लेस करके आपको ये कम्प्लीटली 900 कुछ रुपए के आसपास पड़ता है, 40% नीचे। इसके नीचे अपना साइड बिडिंग का ऑप्शन होता है, डैम्पिंग इसके अंदर हुई है, और मारुति की गाड़ी में जरूर रिकमेंड करता हूँ कि आप डैम्पिंग जरूर कराओ। और डैम्पिंग की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे आप देखोगे डैम्पिंग हुई है और यहाँ पर नहीं हुई है, तो एक अच्छा खासा रिस्पॉन्स जो है वो इससे भी आपको पता लग जाता है। इसके बाद यहाँ पे देखो डोर गार्ड है, जो हाई पॉप का डोर गार्ड है, एक बार अनलॉक करते हैं और दिखाते हैं आपको। ये देखो कहीं कोई भी गाड़ी अगर खड़ी होगी ना तो ये कभी भी लगेगा नहीं, तो ये एक अच्छा रहता है डोर गार्ड, और इससे एक बेस्ट पार्ट आपको मिलता है। इसके बाद यहाँ पे ये देखो ये टेल लाइट यहाँ पे भाई पड़ी हुई है,
साइड में अपना, ये जो इसके अंदर टेललाइट चेंज हुई है इसका भी एक रिस्पॉन्स जो है वो दिखा देते हैं। इससे पहले अपना नीचे की तरफ रिफ्लेक्टर है जो ये पूरा इसके अंदर लग गया है, इसका टेललाइट एक बार जला देता हूँ, टेललाइट आपको जला के रियल टेललाइट का क्या फील है वो दिखाता हूँ। तो ये यहाँ पे टेललाइट जो जल गई है, मैट्रिक्स का जो इसका रिस्पॉन्स है ना वो ऑलरेडी इसमें देख पाओगे आप, बाकी पूरी टेललाइट यहाँ पे चेंज हो चुकी है। और ये ऐसे करके पूरी एक सिद्ध में ना, मतलब एक पूरी ऐसे लंबी सी जो लाइट है वो इसमें देखने को मिलती है, तो इसका एक अपने आप में अलग ही रिस्पॉन्स, एक अच्छा रिस्पॉन्स जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो ये एक बेस्ट पार्ट यहाँ पे तो है ही, प्लस देखो आप खुद बताओ कि टेललाइट कितनी वर्थ इट है या नहीं है। और टेललाइट अभी इतनी ज़्यादा अवेलेबल हो नहीं रही थी, फिर भी अब हम जो है वो हर गाड़ी में लगा के दे रहे हैं, इस गाड़ी में लग चुकी है। अगर आप इसकी बात करेंगे, एक इस गाड़ी में भी टेल लाइट लगी है, इसकी टेल लाइट वहाँ पे वो रखी हुई है। इसके बाद पीछे अपनी एक महाराष्ट्र से गाड़ी आई है, ये वाइट कलर की जो गाड़ी है इसके अंदर टेल लाइट लगी है, इससे पीछे गाड़ी है उसके अंदर टेल लाइट लगी है। तो अब हर गाड़ी में आपको फिर टेल लाइट लगा के हम जो है दे रहे हैं। इसमें कैमरा नहीं आता, यहाँ पे कैमरा लगा है। और फिटमेंट भी आप चेक करो, पूरी जो OEM फिटमेंट है एज इट इज वो फिटिंग है, कहीं से भी ऊपर नीचे 19-20 नहीं है, तो ये अच्छा है। पार्सल ट्रे इसमें आता है, उसकी जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे देखो अपना कर्टन है, कर्टन इसमें लग दिए गए हैं। बूट मैट है जो कि GFX के साथ ही है, बूट मैट इसमें लग गए हैं। बूट लाइट इसमें लग गई है जो कि सेंसर के साथ भी और बटन भी पूरा चलता है। अब चलते हैं अंदर की तरफ और अंदर जितनी चीजें हैं ना वो आपको सारी चीजें A to Z डिटेल में दिखाते हैं, जिससे आपको भी पता लग सके कि हाँ इस गाड़ी के अंदर एक नेक्स्ट लेवल सारा काम हुआ है। और एज इट इज इसके लिए एक बार म्यूट कर लेते हैं इसको, जिससे आपको आवाज अच्छे से आ पाए। अंदर की तरफ अगर बात करें, सबसे पहले अपना डोर पैनल है, और डोर पैनल पे जैसे मैंने आपको पहले भी दिखाया हुआ है एक शानदार फिनिशिंग के साथ पूरा इंटीरियर, और इसमें भी देखो पूरा सॉफ्ट टच के साथ पूरा यहाँ पे है, ये देख सकते हो आप, ये देखो। और तीन थ्रेड यहाँ है, फिर तीन यहाँ है, फिर तीन थ्रेड यहाँ है, ये अपना पूरा पियानो ब्लैक का पूरा पार्ट हो गया। हैंडल लीवर का ऑप्शन होता है, ये भी आप करा सकते हो। बाकी पियानो ब्लैक भी देखोगे ना, जो OEM पियानो ब्लैक होता है, यानी कि पूरी इसकी किट आती है एज इट इज वो किट है, इसमें हल्का हल्का स्पार्कल का जो पार्ट आता है वो आपको देखने को मिलने वाला है। तो ये एक अच्छी चीज़ है, एक शानदार चीज़ जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाली है। प्लस पूरा इंटीरियर में एक शानदार इंटीरियर जो होता है वो यहाँ पर है। स्कफ प्लेट है जो कि विदाउट लाइट है, और उसमें फ्रॉन्क्स की पूरी देखो बैचिंग के साथ पूरा फ्रॉन्क्स और डिजाइन बना हुआ है, जैसे आपको कंपनी से मिलता है। प्राइसिंग में आधा और काम बराबर, मतलब वही काम आपको मिलता है, और डिजाइन में मतलब एक शानदार मिलता है। नीचे की तरफ देखोगे अपनी फ्लोरिंग है जो डाई वाली फ्लोरिंग है, एज इट इज S2S 0 to 0 जो फिटमेंट कहते हैं ना, चाहे आप यहाँ से देख लो चाहे आप यहाँ से देख लो, पूरा का पूरा बेस्ट फिट बैठा होता है, वो एक अच्छी चीज़ है। अगर मैं स्टेयरिंग की बात करूँ, पूरी OEM फिटमेंट के साथ स्टेयरिंग हो चुका है, इसको आप टाइट से घुमा के देख लो, एज इट इज पूरा का पूरा स्टेयरिंग है, ये देखो कहीं से भी ना ऊपर नीचे नहीं जाता, तो ये एक अच्छा स्टीयरिंग का पार्ट रहता है। यहाँ पे देखो अपना पूरा डैशबोर्ड का जो पार्ट है वो पूरा डैशबोर्ड यहाँ से भी हो गया, यहाँ से भी अपना पूरा कंप्लीट हो गया, और सामने की तरफ से भी हो गया, तो ये पूरा अपना डैशबोर्ड का जो पार्ट था वो भी हो चुका है। बाकी अगर ऊपर की तरफ आप देखेंगे, यहाँ भी आप चेक कर सकते हो, पूरा जो म्यूज सिस्टम है वो पूरा पियानो ब्लैक में हो गया ग्लॉसी के साथ। पूरा यहाँ पे देखो AC वेंट हो चुके हैं अपने, जो पियानो ब्लैक ग्लॉसी के साथ आते हैं, अपना टॉप मॉडल में जैसा आता है सिल्वर के साथ। और देखोगे ये वाला सिल्वर पूरा, फिर ये सिल्वर, और ये दोनों सिल्वर पूरा का पूरा मैच कर रहा है, ये पूरा पियानो ब्लैक जो है इसके साथ एक बेस्ट मैच पूरा कर रहा है। अब ये लाइट है, ये भी व्हाइट का ऑप्शन होता है, आप ये करा सकते हो। इसके बाद यहाँ पे गियर नॉब इसके अंदर लगा हुआ है, सेंटर आर्मरेस्ट है वो लग गया है, और सिर्फ आर्मरेस्ट नहीं लगा, इसका जो पीछे AC वेंट है वो भी चेंज हो चुका है। नीचे जो मैं आपको लॉन्ग लाइफ मैट बार बार दिखाता हूँ, GFX मैट वही लगे हैं। और आज फिर जैसे मैं आपको कहता हूँ एक इंसान की रीढ़ की हड्डी होती है, वैसी अपनी रीढ़ की हड्डी हमारे सीट कवर, और आज फिर ऑन ऑर्डर बन के मतलब पूरे सीट कवर लगे हैं। एज अ क्वालिटी आप देख सकते हो, एज अ फिटिंग आप देख सकते हो। और एक चीज देखोगे इस सीट के अंदर ना, पहले जो था वो ऐसे था, थोड़ा ऐसे नीचे की तरफ होता है, पर सीट कवर लगने के बाद ये थोड़ा तरफ से ना सपोर्ट आपका और ज्यादा बन जाता है आपके थाई में, अगर मैं बात करूं तो। और मतलब एक ये जो सिमिलिट्री होती है ना, ये होती है एक शानदार, इसमें आप जितना ज्यादा ही देखो, जहां से मैं दबाऊंगा ना एज इट इज वहीं से ही अपना शेप बना लेगा, तो ये एक अच्छी चीज यहाँ पे हो जाता है। एक कंफर्ट, एक फील जो है वो आपको इसमें एक अच्छा खासा जो है वो यहाँ पे देखने मिलता है। एक बेस्ट ऑन बेस्ट पार्ट एक जो होता है ना वो है। और अपना जो ऑटोनिक का सिग्नेचर जो डिजाइन था, वही डिजाइन इसके अंदर रखा गया है, वही डिजाइन इसके अंदर डाला गया है, तो वो एक बेस्ट चीज यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तीन थ्रेड यहाँ है, फिर तीन थ्रेड यहाँ, और तीन थ्रेड यहाँ पे दिया गया, तो ये एक बढ़िया चीज है आपके सामने में। यहाँ पे मैंने आपको आर्मरेस्ट दिखाई दिया है, एक बेस्ट एंड बेस्ट पार्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। सामने की तरफ भी देख लो, ऐसा नहीं है कि एक ही तरफ सिर्फ दिखा रहा हूँ, हर एक तरफ आपको पूरा इंटीरियर का जो पार्ट है वो आपको देखने को मिल रहा है, वो आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो एज इट इज पूरा सामने हो गया। अगेन एक बार पीछे की फिटिंग भी दिखा देते हैं, कैसी फिटिंग आई है। ये सामने की तरफ अपनी पीछे का अपना डोर पैनल है, पियानो ब्लैक का पार्ट है, फिर मैट की फिटमेंट है, ये चेक कर सकते हो। और अपना यहाँ पर भी है पूरा सीट कवर। भैया ने एक काम बहुत अच्छा किया था, पहले ही सीट कवर का ऑर्डर दे दिया था आज से लगभग 10 दिन पहले, और अपनी टेल लाइट का, जिससे कि भैया का सारा काम सेम मतलब एक अच्छा काम, और ज़्यादा वेट भी नहीं करना पड़ा। भैया कल शाम को गाड़ी लेके गए थे, और आज जो है अपना 5-6 बजे करीब जो है वो गाड़ी भी लेके जा रहे हैं,
तो सेम मतलब एक डे, मतलब सेम डे कह लो, कल शाम को आए थे उस टाइम पे लेके जाना, 24 घंटे में सारा काम कंप्लीट हो गया। तो आप खुद बताना इस गाड़ी में काम हुआ कैसे है और पूरा इंटीरियर कैसा लग रहा है आपको। टैन एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन है, बाहर की तरफ व्हाइट गाड़ी है। मैं बार बार आपको कहता हूँ, अगर आपकी गाड़ी लाइट कलर की है तो उसमें एक डार्क कलर का कॉम्बिनेशन लो, और एक शानदार इंटीरियर, शानदार कॉम्बिनेशन के साथ जो पूरी गाड़ी है ना, वो यहाँ पे आपको देखने को मिल पा रही है। अब चलते हैं भैया से जानते हैं सारा काम उनको कैसा लगा। तो फाइनली सारा काम हो चुका है भैया का, एक शानदार जो काम था ना वो सारा काम भैया ने कराया है एज इट इज, और मुझे भी बहुत ये गाड़ी देख के दिल खुश हो गया, क्योंकि ऐसा काम हमने पहले भी किया हुआ है पर इस फिनिशिंग के साथ और इस क्वालिटी के साथ आज फर्स्ट टाइम ये काम हुआ है। इसके दो बड़े रीजन है, भैया ने पूरा काम जो है वो पहले से डिसाइड कर लिया था, और सेकंड चीज जितना भी काम हुआ है ना, मतलब एक एक भैया ने पहले बोला था कि मुझे मतलब यही डिजाइन और यही क्वालिटी चाहिए, पहले से रेडी करा लिया था आज से लगभग 15 दिन पहले। मुझे याद है भैया मुझे 15,000 रुपए एडवांस देके गए थे, जितना भी काम था उसने मुझे ही देके गए थे, इसलिए मुझे अच्छे से याद है, बाकी हमारे पास और भी स्टाफ है पर मुझे देके गए थे स्पेशली। और सेकंड चीज, भैया रात को गाड़ी छोड़ के गए थे, यानी कि कल शाम को गाड़ी लेके आए थे, सही कह रहा हूँ भैया मैं? लगभग टेस्ट था, सच में दिल से धन्यवाद, और दिल से इस बात का रियली धन्यवाद। और आज लेके जा रहे हैं शाम को, तो इसी वजह से काम और ज्यादा अच्छा हुआ। अब आप बताइए क्या नाम है सर आपका? यूट्यूब पे देखा कृष्ण तिवारी जी को, जी सर। 2 साल बाद गाड़ी लेता हूँ और सस्ती कराता हूँ। दिल्ली में ऐसा कोई सस्ती वाला नहीं, मैंने सस्ती ना कराई हो। क्या बात है, बेस्ट काम मेरे को कृष्ण तिवारी से मिला है, किसी आज तक नहीं मिला। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद, काबिले तारीफ सर, दिल से धन्यवाद आपका। और भैया तो वैसे पड़ोस में ही रहते हैं, मुझे जितना पता है दिल्ली में ही है भैया घर के, मतलब अभी समझ लो 5-6 किलोमीटर के अंडर में ही है, जो बगल में ही रहते हैं। भैया 15 दिन पहले आके सब कुछ बनवा गए थे, जब भैया की शायद गाड़ी भी नहीं आई थी। नहीं, गाड़ी मेरी परसों आई है। बाकी अलॉय व्हील पक्का बताइए मुझे, सच में मेरे को बहुत अच्छे अलॉय व्हील लगे हैं। कितने के पड़े आपको सारा कुछ कट कटा के? 24,000 के पड़े सारा आपने दे दिया और ये लग गया। एक्चुअली अपना अलॉय व्हील का काम नहीं है, भैया ने अलॉय व्हील जो कहीं और से लगवाए हैं, मतलब आप भी ले सकते हो ऐसा कुछ अगर चाहो तो, बाकी आप आते हो तो मैं रिकमेंड भी आपको कर दूंगा। बाकी भैया सीट कवर कैसे लगे? अल्टीमेट जैसा आपने सोचा था, चाहा था ऐसे, उससे बेटर काम है, उससे बेटर है। क्या बात है, मतलब एक कहते हैं ना दिल से सेटिस्फेक्शन, वो भैया का काम ये है कि जो टाइम आपने बोला था ना उस टाइम पे गाड़ी मिली है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। बाकी कुछ चीजें भैया ने बाद में फिल्म वगैरह ऐड भी करा दी थी, वो हमारे पास थी नहीं, पर मंगवा के जो है जितना हमने कोशिश किया ऑन टाइम दिया, तब भी ऑन टाइम दिया। थैंक यू सो मच सर। बाकी अगर कोई आना चाहता है वीडियो देख के, आप रिकमेंड कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ आएंगे और खुशी पाएंगे। प्राइसिंग भैया, प्राइसिंग कैसे? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बार्गेनिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती। थैंक यू सो मच।